नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये सुबह से ही आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और मैं बना रही हूँ सैंडविच। एक साइड में रखा है चाय, चाय नाश्ता तो हो गया, फिर अब बना रही हूँ खाना। खाना में मैं बना रही हूँ आज पालक वाली दाल, चावल, चोखा इतना और चटनी। हाँ, इतना सब कुछ बना रही हूँ सुबह के खाने में। और हस्बैंड खा पी के अपना ऑफिस जाएंगे और बच्चे लोगों की है छुट्टी, तो सुबह सुबह अपने काम में लग गई हूँ। फ्रेंड, बना रही हूँ पालक वाली दाल, तो पालक कट कर रही हूँ। सुबह कुछ सोच ही नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड ने बोला, मैंने उनको पूछा कि क्या बनाऊँ, तो बोले पालक वाली दाल बनाओ। क्योंकि इस समय ना क्या हो रहा है कि सब्जी की बड़ी परेशानी हो रही है। सब्जी का मतलब कि मटर वटर खा के सब सारी सब्जियाँ उब गए हैं एकदम से, तो कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से आज मेरा मन किया कि चलो पालक की दाल ही बना लेती हूँ। तो चावल बन गया है और दाल में ना मैं दो तीन आलू डाली हूँ। तीन आलू डाली थी तो मुझे ज़्यादा लग रहा था, धो के मैंने डाल दिया, तो फिर अभी एक ठू निकाल दी हूँ। हमके बहुत ज़्यादा चोखा भी बना के क्या करूँगी। और एक साइड में मैं टमाटर और बैगन भून रही हूँ। बैगन और टमाटर तो भून चुके हैं, एक ठो और है, तो इसको भूनने के बाद अब एक साइड में मैं दूध चढ़ा दूँगी। तो ऐसे सुबह सुबह फटाफट से सारा काम निपटाना पड़ता है और साथ साथ मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, एकदम किचन साफ़ रहता है तो काम करने में भी मन लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। कोई अचानक से आ जाए तो पूरा मैसी मैसी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा साफ करती रहती हूँ। मैं सुबह सुबह ना दवाई खाना ही भूल गई, तो मुझे अचानक से याद आया, तो आज मैं बोतल से ही पानी लेके अपना दवाई खा ली कि चलो गर्म नहीं कर रही हूँ तो कम से कम नॉर्मल पानी से ही खा लूँ, नहीं तो फिर गैप हो जाता है। और अंग्रेजी दवाई ऐसी है ना कि गैप नहीं होना है, और बीमारी भी ऐसी है कि एक दिन का भी गैप नहीं कर सकती, इसलिए डेली खाती हूँ मैं। दाल जब तक बन रहा है तब तक मैं सोची कि चलो चादर ही बदल लेती हूँ, क्योंकि चादर तो मुझे बदलना ही था, तो टाइम है तो चादर बदल लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड अभी ब्रश व्रश कर रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, तब तक तो मेरा खाना रेडी हो ही जाएगा, तो टाइम अपना चादर बदल देती हूँ। और इधर कैलेंडर पड़ा हुआ था तो वही मैं देख रही थी कि क्या है ये, और होता है ना नए साल पे कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है, तो वही पड़ा हुआ है। एक तो मैंने दरवाजे पे चिपका दिया, एक दो ऐसे ही अलमारी में पड़ा हुआ था, तो बच्चे लोग निकाले होंगे। और देखिए सामने जो ऑरेंज रखा हुआ है, फ्रेंड मैं बोलूँ तो चार पाँच दिन से आके मेरे घर में रखा हुआ है, दो ठो उसमें सड़ा हुआ निकल गया, तो उसको तो मैंने फेंक दिया। अभी देखती हूँ इसको छील के ना जूस बनाऊँगी आज, कम से कम ख़त्म हो जाए। हम लोगों को सर्दी जुकाम हो गया है तो खांसी भी हो रही थी, इसके वजह से मैं जूस बना ही नहीं रही थी, ना बच्चे लोगों को दी ना अपने खाई, हस्बैंड ही बस एक दो खा रहे थे, इसके वजह से ख़त्म ही नहीं हो पाया। अभी भी मुझे सर्दी है ही ठीक नहीं हुआ है पूरे तरीके से, तो बेडरूम का भी चादर बदलना है, क्योंकि कल ना बच्चे लोग मतलब इनके दोस्त हैं तो उनके बच्चे आए हुए थे और मेरा बेटा, दोनों लोग मिल के ना इस पर खूब कुदंक मारे हैं, कूदे हैं और खूब सारे रंग वंग गिरा दिए थे, पता नहीं क्या क्या सब खाए पिए इसी पे, चिप्स वगैरह ना तो खूब सारे गिरा दिए थे, तो इसलिए मैं बदल रही हूँ कि बदल दूँ, थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मुझे ये कंबल ना धो के हटाना है, जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी रहेगी उस दिन मैं सोच रही हूँ कि इसको धोऊँ, क्योंकि इसको ना धोने के बाद बहुत भारी हो जाएगा, तो इसको उठा के छत पे ले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रहेंगे तो कम से कम हम दोनों लोग मिल के उठा के ले जाके छत पे फैला देंगे और दिन भर में सूख भी जाएगा। अभी तो बहुत मौसम गर्म भी हो गया है, बालकनी में नहीं फैलाऊंगी, नहीं तो पानी गिरने लगेगा नीचे, ना नीचे भी लोग रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं छत पर फैला देती हूँ ऐसे मोटे वाले कपड़े। तो इधर देखे मेरे पेड़ पौधे देख ली, और दोपहर में मेरा सारा काम हो चुका है, 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो गया है। एक कल का कपड़ा धुली थी तो इतना तह लगा के रख दी हूँ, और जो आज का धुला है वो सब बालकनी में मैंने फैला दिया, बाहर के रस्सी पे फैला दी, सारा चादर उधर बदली हूँ ना, तो आज बहुत सारा कपड़ा था सारा धोई हूँ, फिर जाके अब नहाई हूँ, पूजा पाठ की हूँ, खाना खाई हूँ। तो अभी हस्बैंड ना बहुत दिन से ऑरेंज ला के रखे हैं, हम लोगों को सारे लोगों को सर्दी जुकाम हो गया था, इसके वजह से हम खा ही नहीं रहे थे, तो पूरा सूख गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि खराब होने से अच्छा फेंका ही जाएगा, उससे अच्छा ना कि उसका जूस बना देती हूँ, सब लोग पी जाएंगे दोपहर में, अभी दोपहर हो रहा है तो अभी बना दूंगी तो सब लोग पी लेंगे, एक एक गिलास सब लोग पी लेंगे। नहीं तो फिर दो ऑरेंज ना मैंने उस फेंका, हस्बैंड को नहीं बताया, झोले में करके टांग दी थी, वो खराब हो गया था। नहीं गुस्सा करने लगते हैं कि कोई चीज़ खरीद के लाओ तुम लोग खराब करते हो,
तो अभी जाने वही छीलूंगी बनाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे बनाना है आज तकिया, क्योंकि कतरन एक दिन का खूब सारा काट के रखी हूँ, देखूंगी वो बनाने भर हो गया है ना तो उसी का आज बना दूंगी, नहीं थोड़ा बहुत अगर कम होगा तो पुराने वाले कपड़े ढूंढ ढाड़ के काट के बनाऊंगी, तो वो एक काम मेरा बाकी है। और चलिए फिर फ्रेंड मिलती हूँ थोड़ी देर में, जाऊँ अपना काम कर लूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए फ्रेंड। और मैंने अपने पौधों को पानी भी दे दिया, अभी दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना पौधा है। देखिए पानी ना नहाने के बाद पूरा देखिए, ये सबको ना पौधों को एक दिन अंदर करना है, और इसमें पौधों गमले में ना मिट्टी भी भरना है, मिट्टी नहीं भरा हुआ है, ऐसे खाली है, तो हस्बैंड को किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो मिट्टी भरेंगे। देखा बंदर बच्चा आ गया है, उछल रहा है। बस देख जाना चाहिए कि कैमरा ऑन है, बस आ जाएगा फट से ना। हटो 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 बाबू, चलो काम कर लेते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो चलिए फिर फ्रेंड मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाबू की शरारत देखिए, कुछ कुछ शरारत ऐसे ही पूरे दिन करता रहता है। तो अभी मैं इन लोगों के लिए ना दूध गर्म कर रही हूँ, अभी दूंगी गर्म करके बच्चे लोगों को दूध, फिर उसके बाद छीलूंगी ऑरेंज। दो ठो तो सुबह में ही फेंक दी, दो छीलते समय फेंकी हूँ, अभी देखिए अंदर कितना खराब निकलता है। दोनों बच्चे लोगों को मैंने दिया था ग्रेप्स खाने को, तो बाबू नहीं खाया, परी तो खा ली, बाबू का ऐसे ही प्लेट में पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ, और साथ में ऑरेंज भी छीलती हूँ। और बाबू की शरारत देखिए, इसको दूध पीने को दी हूँ ना तो बस शरारत करता रहता है, गिरा देगा, मैं वही बोल रही हूँ कि गिर जाएगा ना तो पिटाई भी करूँगी, नहीं जल्दी से ले जाके गिलास रखाओ। तो जब मैं डांटी हूँ ना तब जाके पी के फिर रखा है। और परी का कल है एग्जाम, तो अपना पढ़ लिख रही है, और बाबू उसको पढ़ने नहीं देता, खुद भी नहीं पढ़ता और ना ही दीदी को अपने पढ़ने देता है, शरारती बच्चा। तो इधर मेरा जूस भी बन गया, देखिए एक एक गिलास सारे लोग अभी पियेंगे हम लोग जूस ऑरेंज वाला। चीनी मैंने नहीं डाला है, बस ऐसे ही मिक्सर में डाल के घुमा दिया और छलनी में छान दिया, हो गया हमारा जूस तैयार। तो ऑरेंज जूस पीना है तो फ्रेंड आ जाइए आप सब लोग भी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ तकिया पुराने कपड़े का, मैंने कतरन तो बना दिया है, कतरन का मतलब उसको काट काट के जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं बच्चे लोगों का छोटा हो जाता है या अपना पुराना हो गया है, तो सबका कपड़ा मिला के मैंने काट के एक दिन का रखा था। कवर तो बहुत पहले ही बना के रखे थे, तो अब जाके इसको मैं भर रही हूँ सारा। और बाबू बोल रहा है कि मम्मा मैं पकड़ता हूँ तुम भरो, हमके ठीक है चलो पकड़ो। तो इसको बड़ा अच्छा लगता है सब उठपटांग की हरकतें करना, मतलब उसको बहुत मन लगता है सब ऐसे काम करने में। और मैं देखती हूँ कम होगा तो फिर उसे काट के और भरूंगी। और तकिया तो बहुत सारा है फ्रेंड, मैं बोलूँ तो 5-6 तकिया है घर में, लेकिन मुझे कड़क तकिया चाहिए होता है, और ये सेमर की रुई वाला भरवा के लाए हैं तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मेरे गर्दन में भी दर्द हो जाता है, इसकी वजह से मैं उसको लगाती ही नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि फटे पुराने सब जो पुराने वाले कपड़े पड़े हुए हैं इन सबको मैं आज ठिकाने भी लगा देती हूँ, और अच्छा से एक तकिया भी बना लेती हूँ जो कि मैं रोज़ लगाऊंगी, काम का चीज़ भी बन जाएगा, और जो इतना सारा फैला फैला सब कपड़ा रहता है इधर उधर फेंकाया हुआ तो सब काम भी आ जाएगा। और बाबू का देखिए छोटा था ना तब का ये शर्ट है वो अभी पहन के घूम रहा है, जब मैं निकाली हूँ काटने के लिए तो उसमें उसको दिख गया। और ये बेटी का फ्रॉक है, स्कर्ट है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना छोटा है, और बाबू अपने आप ही शर्ट पहन के घूम रहा है, तो बहुत सुंदर शर्ट था। और अभी बोल रहा है मम्मा देखो मैं पहन के कितना क्यूट लग रहा हूँ, अपने से ही अपनी खूब प्रशंसा कर रहा है। तो परी बोल रही क्यूट नहीं बंदर लग रहे हो, तो इन लोगों की आपस में ऐसे ही बातें चलती रहती है। तो मैंने फिर से खूब सारा कतरन बनाया, फिर इसको कम से कम आधा घंटा मुझे लग गया इतना ही काटने में, तो अभी काम भर हो गया है तो इसको भर के मैं सील दूंगी और मेरा तकिया बन के तैयार हो जाएगा। आज से मैं भी तकिया लगाऊंगी, नहीं तो बहुत दिनों से मैं तकिया ही नहीं लगा रही थी, क्योंकि दो तकिया कड़क वाला है जो ना वो दोनों बच्चे लगाते हैं, एक हस्बैंड लगाते हैं तीन, और दो ठो रुई वाला है वो तो कोई लगाता ही नहीं, बेडरूम में बस पड़ा रहता है दिन भर ऐसे ही, कोई नहीं लगाता है।
उसमें कोई आता जाता है तो वही लोग लगाते हैं, नहीं तो हम लोग तो नहीं लगाते हैं। तो इधर मैं सिलाई कर लूँगी, हो जाएगा मेरा तकिया तैयार। आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे जुगाड़ करते हैं क्या मेरे जैसे। मैं कुछ कुछ ऐसे दिमाग लगाती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं सोचती हूँ कि फेंकने से अच्छा इसका कुछ यूज करें, तो मैं अपना कुछ कुछ अपना दिमाग लगाती हूँ। जैसे कि फटे पुराने जो चादर होते हैं और साड़ी वड़ी होती है ना, तो उसका मैं बिछौना भी बना देती हूँ। कई बार मैं 2-3 बना के रखी हूँ, और बाहर वाले कमरे में ना जो फोल्डिंग पे देखेंगे तो उस पर बिछा भी रखी हूँ 2-3। जितना भी बनाई हूँ सारा एक साथ ही बिछा दी हूँ कि थोड़ा मोटा रहेगा। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे ऐसे अपना काम अपना कर लेती हूँ। और मैंने मम्मी से सीखा है सब। गांव में होता है ना कि मम्मी लोग बनाती हैं, तो गांव में मेरा मायका तो गांव में ही है, तो गांव में मैं रही हूँ तो ये सब बचपन से देखते हुए आई हूँ। तो मुझे भी ये सब करने का शौक है। होता है ना कि जो चीज़ देखते हुए बड़े हो तो वो अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं। आप बनाए या ना बनाए, घर में जो होता रहता है वो अपने आप ही आ जाता है। तो मुझे मम्मी को देखती थी बनाते हुए तो मुझे भी आ गया है। मैं कभी वहाँ बनाई नहीं, लेकिन देखती तो थी कि मम्मी कैसे बनाती है, तो मैं भी बनाना सीख ली हूँ। और इधर मैं दही बड़ा निकाल रही हूँ बच्चे लोगों के लिए, अपने लिए, और सभी लोग खाने जा रहे हैं दही बड़ा। और किसका किसका अभी तक चल रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो लोग बनाए हैं। और जो लोग नहीं बनाए हैं आ जाइए आप लोग मेरे घर पे, खा लीजिए दही बड़ा, और बहुत ही टेस्टी बना था। और चटनी तो अभी बची हुई है, और जो जीरा मसाला मैंने बनाया है ना वो भी बचा हुआ है। तो किसी और दिन उड़द का दाल मैंने अभी तक रखा है डब्बे में, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको एक दिन भिगो के पीस के फिर से बना लूँगी, तो चटनी भी ख़त्म हो जाएगा और जीरा पाउडर भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर से एक बार और दही बड़ा हमें खाने को मिलेगा।